हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर। इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसानी से और सरल भाषा के अंदर सरल करेंगे। इसमें खंड देय को सरल कर रहे हैं। इसमें दो दो क्वेश्चन देंगे एग्जाम में। आपको दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, वो चार नंबर का होगा। हम यहाँ दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा अवकल समीकरण दे रखा है टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई इजिकल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का हल ज्ञात कीजिए। तो हमें यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विधि से अवकल समीकरण हल। ये होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इजिकल टू क्यू, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई इंटीग्रेशन पी डी वाई। और इसका आगे हल होगा एक्स इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। अवकल समीकरण में जिस चर का केवल एक ही पद हो उसी में अवकल समीकरण बनाए। अब देखो ये x यहाँ a के पद दिख रहा है, तो हम x में समीकरण बनाएंगे। हिंट, अवकल समीकरण में जिस चर का केवल a के पद हो उसी में अवकल समीकरण बनाएंगे। तो ये टेन इनवर्स y माइनस एक्स इजिकल टू वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब y के दबाग दे दिए डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर टेन इनवर्स y माइनस एक्स बटा वन प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका अलग अलग भाग देखिए, टेन इनवर्स वाई बटा वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स के पद एक तरफ और वाई के पद दूसरी तरफ, तो देखो डी एक्स अपॉन डी वाई ये इधर आ गया प्लस का हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर। ये रूप है डी एक्स अपॉन डी वाई पी एक्स इजिकल टू क्यू। अब देखो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी यहाँ पे क्या है वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इजिकल टू की पावर टेन इनवर्स वाई। एक्स इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू प्लस सी। तो देखो x इंटू आई एफ क्या है, e की पावर टेन इनवर्स y इजिकल टू इंटीग्रेशन आई एफ क्या है e की पावर टेन इनवर्स y, और q क्या है टेन इनवर्स y बट्टा वन प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का c। लेट टेन इनवर्स y बराबर t, तो इसका क्या हो गया वन अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इजिकल टू डी टी। तो देखो ये तो x e की पावर टेन इनवर्स y इंटीग्रेशन टेन इनवर्स वाई को टी माना था, तो ई की पावर टी गुणा टी डी टी, ठीक है ये हो गया टी डी टी प्लस सी। अब एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई, अब इसका क्या करेंगे फर्स्ट सेकेंड से करेंगे, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया सेकेंड। तो फर्स्ट को ऐसे ही रखा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर टी डी टी और माइनस ये माइनस आएगा यहाँ पे माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन प्लस सी। तो ये क्या हो गया हमारे पास एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई टी इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी प्लस सी। तो एक्स ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर टी, और इसका हो गया ई की पावर टी माइनस इसका ही हो गया ए की पावर टी प्लस का सी। अब यहाँ से ए की पावर टी मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा टी माइनस वन ए की पावर टी कॉमन ले लिया प्लस सी। तो एक्स ए की पावर टेन इनवर्स वाई टी की वैल्यू पुट कर दी टेन इनवर्स वाई माइनस वन ए की पावर टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो एक्स बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स वाई माइनस वन प्लस सी, ये माइनस में हो जाएगा तो ए की पावर माइनस टेन इनवर्स वाई। सोल हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।